नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। तो आज मैं दोस्तों जा रही हूँ चाउमीन बनाने, और ये जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, बहुत आसान है इसको बनाना। और हमारे गांव में जो है ये चाउमीन जो है बहुत कम लोगों के घर में बनता है, कोई जल्दी बनाता नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि कैसे ये बनता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन, और मेरी बुआ भी जो आई हैं वो भी खाएंगी। मैगी तो ऐसे वो बहुत खाई हैं, चाउमीन नहीं खाई हैं, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी, सभी लोग घर में खाएंगे। तो चलिए चलते हैं चाउमीन बनाने। चाउमीन बनाने में जो चीज़ें सब इस्तेमाल होंगी वो सब मैंने ले लिया है। इधर हमने सब्जियां ले ली हैं जो उसमें पड़ती हैं, और इधर मैंने देखिए दो पैकेट ये हमने अपने गांव के दुकान से लिया है चाउमीन, ये है, और ये है मोटा वाला चाउमीन है। अब इसको जब गुनगुने पानी में उबालेंगे, और इधर हमने देखिए कई तरह के सॉस लिए हैं, जिसमें ये है देखिए सोया सॉस है, और ये है ये सिरका लिया है हमने, ये मिर्च वाला सिरका है। यहाँ पे देखिए हमने ये लिया है डार्क सोया सॉस, ये है, और ग्रीन चिली सॉस लिया है, और इधर जो है रेड चिली सॉस लिया है, और ये भी है ग्रीन चिली सॉस है। ये सब चीज़ें जो है चाउमीन में यूज होंगी, इस्तेमाल करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले चलते हैं सब्जियों को काट छाट लेते हैं। इधर इधर हमने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज, हरी मिर्च, और ये हमने एक चुकंदर लिया है, सब चीज़ों को हम काट छाट लेते हैं। चलिए इधर प्याज के जो है छिलके उतार लेते हैं इसमें, इधर प्याज छिलके रख लेती हूँ मैं, और सब्जियों को जो है काट छाट के यहाँ पे रख लेती हूँ। पहले मेरे बच्चों लोग को भी बहुत ज़्यादा चाउमीन पसंद है, चाउमीन मैगी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सभी चीज़ों को हमने धो लिया है, अब इनको मैं पतले पतले स्लाइसों में काटूंगी। देखिए प्याज को इस तरीके से काटूंगी, प्याज को काट लिया है पतले पतले स्लाइसों में। अब देखिए शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से काटूंगी पतले पतले स्लाइसों में, इसका बीज निकाल लेती हूँ। शिमला मिर्च काटने के बाद अब हरी मिर्च भी काटूंगी, इस तरीके से काटूंगी मैं, देखिए इस तरह तिरछे में काटूंगी इस तरीके से। देखिए जब मिर्च पड़ता है चाउमीन में तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए इस तरीके से काट के रख लेती हूँ। चलिए गाजर को भी काट लेती हूँ। इसको ही पतला ही पतला काटेंगे। चलिए चुकंदर भी इसी तरीके से काट लेते हैं पतले पतले स्लाइसों में। चलिए पत्ता गोभी को भी काट लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को मैंने काट के रख लिया है, प्याज, शिमला मिर्च, और इधर मैंने चुकंदर लिया है, पत्ता गोभी, गाजर, और हरी मिर्च को भी काट लिया है, हरी मिर्च को भी हमने काट लिया है, और इधर थोड़ा सा हमने लहसुन कलियाँ लिया है, इसको छोटे टुकड़ों में काट के रख लेती हूँ। चलिए चूल्हे में ईंधन को जलाते हैं और चाउमीन को उबालते हैं। चलिए चूल्हे में ईंधन को जला दिया है, अब इसके ऊपर रखूंगी पतीला, इसमें मैंने पानी लिया है, अब इसमें चाउमीन को उबालूंगी। पानी देखिए हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं रिफाइंड तेल डालूंगी। एक चम्मच रिफाइंड तेल डाल देती हूँ इसमें, एक चम्मच रिफाइंड तेल इसमें मैंने डाल दिया है। अब देखिए ये डालूंगी चाउमीन, अब इसको मैं 10 मिनट तक उबाल लूँगी, जब अच्छे से ये फूल जाएगा तो छान के निकालूँगी। फिर देखिए ये फूलने लगा है, अब
अब देखिए अलग अलग भी हो रहा है, एकदम पूरा खिल रहा है। बस इसको 2 मिनट और पकाएंगे। चलिए उबल गया है, 2 मिनट हो भी गया है, अब इसको उतार लेती हूँ चूल्हे पे से। चलिए वहाँ छान देती हूँ मैं। इसको देखिए मैं छान लूँगी। इस तरीके से इसमें डालूंगी ठंडा पानी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर रिफाइंड तेल डाल देती हूँ, जो चाउमीन है उस पर चिपके ना। इस तरीके से चलिए चूल्हे पर रखेंगे कढ़ाई। चलिए कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालूंगी रिफाइंड तेल। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा वाला सोयाबीन लिया था, इसको मैंने भिगो दिया था 2-3 घंटे तक, तो ये फूल गया अच्छे तरीके से। इसका पानी मैं निचोड़ के रख लेती हूँ। हाँ, सोयाबीन को मैं निचोड़ के रख लेती हूँ। सोयाबीन को इसमें डाल के तलूंगी। अब तेल गरम हो गया था मेरा, सोयाबीन को इसमें फ्राई कर लेती हूँ हल्का सा। चलिए सोयाबीन को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ। देखिए अब कटे हुए प्याज को डाल देती हूँ। चलिए इसमें कटा हुआ लहसुन भी डाल देती हूँ। पहले प्याज को नरम होने को थोड़ा सा भूनेंगे लहसुन के साथ। चलिए प्याज हमारा नरम हो गया है, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। चलिए इसमें गाजर को भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। और शिमला मिर्च भी डालूंगी थोड़ा सा, और कटे हुए पत्ता गोभी को भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा चुकंदर भी डालूंगी। चलिए चाउमीन बनाते बनाते बारिश हो गया था वहाँ पे, तो यहाँ पे आके बनाना पड़ गया। बारिश भी हो रही है, अब इसको मैं चला देती हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, आंधी और तेज़ बारिश भी हो रही है, और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। तभी हम अंदर खाना बनाएंगे। चलिए सब्जियाँ जो हमारी पक गई हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं चाउमीन। रेड चिली सॉस डाल देते हैं। यह है डार्क सोया सॉस डाल देते हैं। और ये देखिए ग्रीन चिली सॉस है, इसको डाल देते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, काफ़ी बारिश हो गई है हमारे यहाँ, और इस मौसम में चाउमीन खाने में तो और मज़ा आएगा। और ये देखिए विनेगर है, ये डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम सोयाबीन भी डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं इसमें। इसको इस तरीके से अच्छे से मिलाएंगे। इस
उसको देखिए अच्छे तरीके से इसको इसमें सब में मिला लेंगे, इसकी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए हमारा जो चाउमीन है ये बनकर तैयार हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं थाली में। चलिए चाउमीन तो हमारा बन गया है, अभी मैं और भी बनाऊंगी इसी तरीके से, तो प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं खाने के लिए सभी को। चाउमीन तो देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, एकदम बारिश होकर, जैसा कि आप देख ही रहे थे कितना खतरनाक मौसम हो गया था हमारे यहाँ। काकरी खाई? हाँ चलिए खाइए, देखिए टेस्ट करके कैसा बना है। चलिए सभी लोग खा रहे हैं, इधर फूआ और मम्मी भी टेस्ट कर रही हैं, मित्या भी, ये चाउमीन कैसा बना है, और मैं भी टेस्ट करती हूँ ये खाने में कैसा है, सभी लोग बताएंगे। बढ़िया है। वाकई में चाउमीन बहुत अच्छा बना है, और बारिश का भी मौसम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा रहा है। चाउमीन हमारा बन गया है और सभी लोग ने टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा लगा सभी को। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।